प्रवीण जी और हमारे जो हमारे अन्य अधिकारी यहाँ पे सचिवालय प्रशासन से हैं, प्लस जो 15+1=16 हमारे अधिकारी और कर्मचारी सचिवालय की सेवा से आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। और जैसे आपने पीछे की 30 से लेकर 40 साल तक की सेवा की और जिस शिद्दत के साथ आपने काम किया, आगे भी आप समाज के लिए उतने उपयोगी बने, मैं इसके लिए आपको शुभकामनाएं। देखिए, सेवानिवृत्ति तो हमारी सेवा जब आपने शुरू की तभी आपको मालूम चलेगा कि किस स्थिति को आप सेवानिवृत्त हो। लेकिन कुछ लोग सेवा से रिटायर हो जाते हैं और कुछ टायर्ड हो जाते हैं, वो थक जाते हैं, सेवा से थक जाते हैं। अगर आप थके नहीं है तो आप ये समझ के चलिए कि एक सेवा खत्म हुई और नई सेवा शुरू हो गई। और नई सेवा कुछ भी हो सकती है, क्योंकि अब आप खुले आसमान में जैसे पक्षी उड़ सकता है, कहीं भी जा सकता है, वैसे आप स्वच्छंद कुछ भी कर सकते हैं। और अपने जीवन को, एक जीवन की सार्थकता को आप साबित कर सकते हैं। ये बहुत परमेश्वर की, बहुत बड़ा भगवान का, एक समझ लीजिए कि उसकी बहुत बड़ी कृपा है कि आपको ये मानव शरीर दिया उसने। परमेश्वर की बहुत बड़ी कृपा है, ये हमारे हाथ में नहीं है। अगर आप कभी सोचिए तो हमारे ब्रह्मांड में हम सुई के नोक के बराबर भी नहीं। मतलब ये पूरा ब्रह्मांड कितना बड़ा है, कितनी सारी चीजें हम तो केवल जानते हैं कि उन 7 प्लैनेट्स, हम उन प्लैनेट्स को जानते हैं जो हमारे जो ग्रह है उनको जानते हैं, उन ग्रहों को, उनका संचालन करता है एक सूर्य को, उसको जानते हैं, उसके बियॉन्ड कुछ एक तारा को जानते हैं, लेकिन ये अनंत है, कोई इसका कोई रूप नहीं। और कौन चला रहा है मालूम नहीं। अगर आप अपने अंदर देखिए, घूम करके जरा आप अंदर सोचिए, हम सब यहाँ पे बैठे हुए, कोई कुछ खा रहे हैं, कोई कुछ बात कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, कुछ देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन ये सब चीजें अंदर की क्रियाएं कर रही हैं। आपके अंदर इतने सारे अवयव हैं कि आपका जो हृदय कुछ अपना काम कर रहा है, आपका जो लंग्स जो है फेफड़ा कुछ और काम कर रहा है, आपके लीवर जो है वो कुछ और काम कर रहा है, आपकी जो पाचन तंत्र कुछ और काम, अंदर कितनी सारी गतिविधियां हो रही है। जैसे ऊपर ब्रह्मांड में इतनी सारी गतिविधियां हो रही हैं, वैसे हमारे अंदर भी, अगर हम अंदर अंतर्मुखी होकर देखें, हमारे अंदर का भी एक ब्रह्मांड है। उस अंदर का ब्रह्मांड जैसे काम करो, वहां जहां कहीं भी कुछ थोड़ी गड़बड़ी हुई, जैसे कि अगर वो ब्रह्मांड में ऊपर कुछ गड़बड़ी होती तो उल्कापात हो जाता, कहीं थोड़ी मोड़ी, अगर थोड़ी सी हल्की सी गड़बड़ी, यहां पे कुछ गड़बड़ी, अंदर गड़बड़ी, तो वहां पे बहुत कुछ हो जाता है। ना हम चला पा रहे हैं, ना ऊपर को चला पा रहे हैं, नीचे को चला पा रहे हैं, हम बड़े सीमित हैं, बहुत छोटे हैं, लेकिन फिर भी बड़े भाग्यशाली हैं कि हमको ये मानव काया मिली। और मानव काया मिलती हमको भगवान की भक्ति के लिए, भगवान के उसको जो समर्पित होकर के उस जिस प्रयोजन से मैं भेजा उस कार्य को करने के। हो सकता है उन्होंने आपको इसी प्रयोजन से भेजा था कि आप सचिवालय में आकर के यह फला काम करेंगे, और उसके हिसाब से ही आपको ऐसे पाला बढ़ाया और सब किया, और आपने पूरा किया। कुछ लोगों ने खुशी खुशी किया, कुछ लोग दुखी होकर के भी काम किए होंगे, लेकिन मैं कहूंगा कि आप जो भी, अगर आपकी अच्छी बात है खुश रहिए, अगर कुछ आपको कमियां रह गई, कुछ आपको तकलीफें हुई, उन सारे रिग्रेट्स को यहीं छोड़ दीजिए। और फिर से जैसे होता है कि वासान से जरणानी नव है, जैसे होता है ना कि हमारी शरीर को जो है भगवान, वो जो आत्मा को हमेशा उसकी आत्मा का वो कपड़े बदलती रहती है, वैसे आप अपने अब एक नए कपड़े पे आइए कि ये आपकी सरकार की सचिवालय की सेवा थी, अब आपकी समाज की सेवा चालू हुई, और नए समाज की सेवा में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तब आपको कोई ये नहीं सोचा कि आप चतुर्थ श्रेणी है कि तृतीय श्रेणी है कि दूसरी श्रेणी है, पहले श्रेणी की, आपको कोई इस प्रकार नहीं कर सकता, क्योंकि आप कुछ भी कर सकते हैं। अभी मैं दिल्ली गया हुआ था, कभी थोड़े 2-3 महीने 4 महीने पहले दिल्ली गया था, और मैं ऐसे हमारे घर के पास में पार्क में टहल रहा था, वहां एक सज्जन आए और आकर के उन्होंने मुझे प्रणाम किया। मैंने कहा भाई तुम कैसे हो यहां पे? वो मेरा सेवक हुआ करता था, जब मैं चीफ विजिलेंस ऑफिसर हुआ करता था, मुख्य सतर्कता अधिकारी हुआ करता था, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो पूरे देश भर की सारी एयरपोर्ट को देखती है, उसका मैं मुख्य सतर्कता अधिकारी हुआ करता था, वो मेरा अनुसेवक था। तो उसने आकर के मुझे प्रणाम किया कि उस पार्क में मैं घूम रहा था, तो उससे मैं पूछा कि भाई तुम यहां क्या कर रहे हो, कैसे हो?
खुलासा मैं लोगों को योग सिखा रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे योग जो है, योग का मैं क्लास ले रहा हूँ। और देखा मैंने सचमुच तमाम सारे भद्र महिलाएं, तमाम सारे भद्र पुरुष वहां पे बैठे हुए उससे योग सीख रहे थे उस पार्क में। मतलब वो बहुत सारी चीज सिखा रहा था। बोला साहब आप ही ज्वाइन कर। हमने कभी थोड़ा मैं टहलूँ उसके बाद करूँगा। लेकिन मुझे अंदर से इतनी खुशी हुई, जो अनुसूचित मैं घंटी बजाता था, मुझे पानी पिलाता था, मेरी फाइल को लेकर के जाता था एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता था, उधर अंदर कुछ चीजें लाता था, आज वो लोगों को योग सिखा रहा है। ऐसे जब मैं यहाँ मुख्य सचिव बन करके आया, एक सज्जन मुझसे मिले जो मेरे साथ काम करते थे जब मैं यहाँ पे स्वास्थ्य सचिव हुआ करता था। जब मैं वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट को जो है लीड किया करता था, एक मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर हुआ करता था यूपी हेल्थ सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का, पता चला कि जब उनको आया तो उनके बारे में तो बड़ी सारे बहुत बड़े गुरु बन गए। उन्होंने बड़ी सारी मतलब मेरे साथ घंटों मेरे साथ बैठे वो बताना चालू किया कि इस प्रकार के श्वसन क्रिया करने से, ये चीज़ करने से, वो करने से, उन्होंने यहाँ दिखाया वहाँ दिखाया। तो मुझे इतनी खुशी हुई, दिल से इतनी खुशी हुई कि जो डॉक्टर साहब हमारे साथ काम करते थे वहाँ पे, हमारे प्रोजेक्ट में हमको मदद करते थे कि उत्तर प्रदेश का हेल्थ सिस्टम को हम सुधार करें, वो सुधार करने में पूरी तरह लगे थे, आज वो समाज को सुधार करने में लगे। मतलब ये हुआ कि आपको अब आप एक सीमाओं में बंधकर नहीं बल्कि आप अनंत हो सकते हो, सीमाओं को अंत सीमाओं को खत्म कर सकते हो। आप एक नई सोने के साथ, एक नए दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ, एक नए उत्साह के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ आप बहुत कुछ समाज को दे सकते हो। आप में देने को बहुत कुछ है। कुछ लोग सोचेंगे भाई चलो तो 60 साल हो गए, अब 60 साल की उम्र होगी, मैं बड़ी मेहनत कर ली, और थोड़े दिन हम रेस्ट कर लें, थोड़े दिन हम चलो रिश्तेदारी घूम लेंगे, थोड़े से दोस्त मित्र क्या हो लेंगे, कहीं एक आध तीर्थाटन कर लेंगे, कोई तीर्थ स्थान जाके काशी और मथुरा घुमाएंगे, जिंदगी कट जाएगी। बिल्कुल नहीं। आप ये ध्यान रखिएगा, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत में कहा है कि हमारे शरीर का धर्म कर्म है, कर्म विहीन धर्म जो है, कर्म विहीन शरीर जो है अंत है, उसका समाप्त हो गया। इस शरीर का धर्म जो है कर्म है, वो कर्म अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन कर्म के विहीन अगर कर्म नहीं होगा तो हमारा शरीर भी समाप्त हो जाएगा। और निश्चित तौर पे आप देखते होंगे बहुत सारे लोग सेवानिवृत्ति के बाद बहुत लंबा नहीं रह पाते, और केवल इसलिए नहीं रह पाते कि जब तक सेवा कर रहे थे तो रोज सवेरे दफ्तर में पहुंचते थे, दस्ते फाइल लगी हुई है, दस्ते कागज पड़े हुए, इस पे ये लिखना वो लिखना, या अगर चतुर्थ श्रेणी के तो उसको कागज को यहाँ ले जाना वहां ले जाना, बहुत सारी गतिविधियां उनकी होती रहती। अब उनके लाइफ में वो सारी गतिविधियां खत्म हो जाएगी। जब वो खत्म हो जाएंगी, जब उनको वो फाइल नहीं दिखेगी, कागज नहीं दिखेगा, वो मेज कुर्सी नहीं दिखेगी, ये सारे ये दफ्तर के नहीं दिखेंगे, तो लगेंगे जीवन खत्म हो गया। नहीं, खत्म नहीं हुआ। मेरा मानना है कि अब नया जीवन शुरू हुआ, ये नया जीवन शुरू हुआ। तो मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि देखिए हमारी जो वर्ण व्यवस्था है, हमारी हिंदू संस्कृति की, जो हमारी सनातन संस्कृति की वर्ण व्यवस्था है, उस वर्ण व्यवस्था में क्या है? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य यानी अपने को ताकतवर बनाना, शक्तिशाली बनाना, अपने को योग्य बनाना, अपनी सारी प्रवीणताओं को एक साथ जोड़ करके गुरुकुल में रह करके गुरु के साथ रह करके अपने को इतनी ताकतवर बना देना कि ताकि हम समाज के लिए उपयोगी हो सके। गृहस्थ आश्रम आप समाज के उपयोगी, लेकिन आपको तो आप समाज में आए हो तो समाज को कुछ दे के जाना पड़ेगा। तो जब आप आए हो तो फिर आप शादी ब्याह करोगे, फिर आपकी संतति होगी, बेटा बेटी होंगी, उनको योग्य बनाओगे ताकि आपको जैसे योग्य बना वैसे उनको बढ़ाओगे, तो वो हमारे गृहस्थ आश्रम हो जाता था। और समाज में हो सकता है कि आप कोई सैनिक बन जाओ, आप किसान बन जाओ, आप व्यापारी बन जाओ, आप कुछ भी बन सकते हो, लेखक बन जाओ, शिक्षक बन जाओ, पुजारी बन जाओ, आप कुछ न किसी तरीके से समाज को काम करोगे, अपने इस गृहस्थ आश्रम के धर्म को पूरा करोगे। लेकिन उसके बाद आता था वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम का मतलब ये हुआ कि आप अपने उस जो हमारा वो धर्म है, जो अपने समाज का जो धर्म है, उस धर्म में अब हम परिवार से थोड़ा सा अलग होंगे। अब हमारी जिम्मेदारी परिवार की नहीं, हम सबको अपना परिवार बना लेंगे, यानी समाज ही हमारा परिवार हो गया, क्योंकि हम अपने बच्चों को इतना योग्य बना चुके हैं गृहस्थ आश्रम में कि बच्चे अपने स्वतः अपने पाँव पर खड़े हो चुके हैं। और आप सबके बच्चे खड़े होंगे या खड़े होने वाले होंगे, अब आप रिटायर करेंगे 60 साल में, निश्चित तौर पर ज़्यादातर लोगों के बच्चे खड़े हो चुके होंगे अपने पाँव पर, और नहीं होंगे तो खड़े होने वाले होंगे। अब उनसे जिम्मेदारी आपकी कम हो गई,
तो क्या आप समाज को अपना सकते हो? जब आप समाज को अपना लोगे, जब समाज को उस भाव से देखोगे कि हम समाज के लिए क्या कर रहे हैं, हमने जो इतना दिन समाज ने हमको दिया, अब हम समाज को क्या दे पा रहे हैं, वो हमारा वानप्रस्थ आश्रम हो गया। और वानप्रस्थ आश्रम के बाद जो चौथा आश्रम हमारा होता था संन्यास आश्रम। संन्यास का मतलब हुआ कि हम और हमारे उस परमात्मा के बीच में और कोई नहीं, फिर वो समाज भी नहीं है, परिवार भी नहीं है, केवल हम है और उस परमात्मा है। क्योंकि हम तो ये हमारे जीवन की मानव काया की यात्रा जो है उस वो यात्रा उस मोक्ष के लिए है जो उस परमात्मा में विलीन होने वाली यात्रा है। तो वो हमारा चौथा आश्रम होता था, संन्यास का आश्रम होता था, और आज भी हो सकता है। मैंने वानप्रस्थ का मतलब समाज को अपना लें। और आज तो हमारा देश में इतना काम हो रहा है, मैंने पिछले 10 साल में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के उनके ओजस से, उनके जो 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 उन्होंने जो देश को दिया है पिछले 9, 9.5, 10 साल में, आपके प्रदेश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से पिछले 6.5-7 साल में पूरे प्रदेश को बदल दिया या बदलने के राह पे लगा दिया, तो ऐसे में इतनी सारी संभावनाएं खुल गई हैं, इतने सारे आपके अवसर बन गए कि जिससे हर समय आपको कोई ना कोई खुशी मिल सकती है। उदाहरण के लिए, उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा जिसे आप समझ जाएंगे कैसे कर सकते हैं। अब आपको मैं, आप बताएं कि भाई मैं फला डिपार्टमेंट में सेक्शन अफसर था, सरकार की गतिविधियां आपको तो मालूम है सरकार में कैसे काम होता है। आज सरकार जो है मैंने पूरे देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रारंभ हो गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा क्या है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हम अपने देश को 2047 में जब देश की आजादी का 100 साल मना रहे होंगे, आप में से कुछ लोग जिंदा भी रहेंगे उस समय, मैं तो कहूंगा सारे लोग जिंदा, 25 साल कुछ नहीं होता, 85 साल की उम्र से जिंदा रह सकते, लेकिन मान लेते न रहे, ये भगवान की व्यवस्था है, पता नहीं रहे न रहे हमको नहीं मालूम, लेकिन हम सोच तो सकते हैं कि 25 साल बाद हमारा देश कैसा हो, जब ये देश इंग्लैंड है, अमेरिका है, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, साउथ कोरिया है, इन देशों की श्रेणी में उनके साथ खड़ा होगा, लोगों का जीवन स्तर कैसा होगा, आप सोच सकते हैं। और वो होगा, मैं इस बात का पूरा विश्वास रखता हूं, शत प्रतिशत विश्वास नहीं, दृढ़ विश्वास रखता हूं ये होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया, वो संकल्प सिद्ध होगा। तो वो जो 25 साल के बाद जो देश हमारा बनने वाला है, उसके लिए भी विकास, ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रारंभ हो गई, और उसका उद्देश्य क्या है विकसित भारत संकल्प यात्रा का, आज ही एक कार्यक्रम था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को संबोधित किया, हमारे मुख्यमंत्री जी थे उनके साथ, मुझे भी गौरव मिला उसको सुनने के लिए, गौरव मिला। इसका मतलब ये कि हम अपने देश में, आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 4 स्तंभ है विकसित भारत के। पहला स्तंभ हमारा है युवा, मैंने देश का युवा। दूसरा स्तंभ हमारा है महिला। तीसरा स्तंभ हमारा है किसान। और चौथा स्तंभ हमारा है गरीब। ये 4 स्तंभों को मजबूत करेंगे, 4 स्तंभों को मजबूत करेंगे तो देश स्वतः ही विकसित हो जाएगा। अब आप सोचिए कि इन 4 स्तंभों में से किसके लिए क्या कर सकते हैं। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम सिचुएशन मोड में जा रहे हैं, यानी जो कार्यक्रम हम चलाए हैं देश में, कार्यक्रम चलाए या प्रदेश में हमारे जो कार्यक्रम चलाए, उस कार्यक्रम को हम सिचुएशन मोड में, यानी जो भी है कोई भी आदमी वंचित नहीं रहता था। अगर गरीब को कोई लाभ मिलना है तो वो लाभ उसको मिल जाना चाहिए। अब यह लाभ पहुंचाने के लिए आप उसमें बड़े मददगार हो सकते हैं कि लोगों को आइडेंटिफाई करना, लोगों को जो है उनको उनका फॉर्म भरवा देना, चाहे उनको ऑनलाइन जाकर के कर देना, ये सब चीजें आपको अच्छे से मालूम। तो आप अपने इलाके में, जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके में क्या सोच सकते हैं कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं। अभी तक तो आप एक विभाग में थे, परिवहन विभाग में, तो परिवहन विभाग का ही काम देखते, पर्यटन में तो पर्यटन का काम देखते। अब आपको कोई किसी विभाग के से बांध नहीं सकता है, आप सरकार के कामकाज को जानते हैं। अगर कहेंगे क्लास 4 वाले हैं, हमको तो इतना नहीं, हमको खाली अपने ये कागज धोना आता और हमको पानी पिलाना आता है, नहीं, आप क्लास 4 वाले इतने दिन से देखते देखते आपको मालूम है शेरपा तेंजिंग के बारे में। शेरपा तेंजिंग जो कि पहले उनको गौरव प्राप्त हुआ एवरेस्ट पर चढ़ने वाले, शेरपा तेंजिंग को कुछ नहीं आता था, लेकिन दुनिया भर में सम्मानित किए गए, क्योंकि वो जो भी लोग जाते थे एवरेस्ट चढ़ने वाले, वो उनका सामान ढोते थे, उनके साथ जाते थे। और जब पहले बार एवरेस्ट पे जब चढ़ा, जब उसको जो क्या नाम था नॉर्थ एडमंड हिलरी, जब उसे पहले बार चढ़ा तो शेरपा तेंजिंग भी साथ उसे चढ़े थे। तो सोचिए, जो केवल एक कुली का काम करता था, वो कुली के काम करने वाला दुनिया भर में घूम घूम करके बताता था कि एवरेस्ट के ऊपर मैं चढ़ाऊं।
तो अपने आप को क्लास फोर से मत पालिए, क्योंकि आप अब अनंत हो चुके हैं। आपकी सीमाएं आप खुद बना सकते हो, उन सीमाओं को तोड़ भी आप ही सकते हो। इसीलिए मैंने उसको अपने जो हमारा अनुसेवक था उसकी उदाहरण मैंने आपको दिया। तो आप बहुत सारा कुछ कर सकते हो, कुछ नहीं अपने मोहल्ले की सफाई करा सकते हो, लोगों के व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हो, अच्छी अच्छी बातें लोगों को सुना करके, बच्चों को कुछ नहीं। एक हमारे वरिष्ठ अधिकारी जिनके साथ मैं कभी काम किया हूँ, तब मैं नाम नहीं लूंगा, एक दिन उनका फोन आया मेरे पास कि डीएस, मैं उनके साथ काम किया हूँ, डीएस किसी दिन मेरे पास आओ, मैं बहुत सारे बच्चों के साथ समय गुजारती हूँ, मैं उनको उन बच्चों के साथ उनको रोज में घंटे दो घंटे खिलाती हूँ, उनके साथ बहुत सारी उनके साथ काम करती हूँ, उनको उसी में खुशी मिल रही है। ऐसे बच्चे और उन बच्चों का उन्होंने तमाम सारे वीडियो में से शेयर किया। मैंने कहा मैडम मैं जरूर पहुंचूंगा आपके कार्यक्रम में, आप जिस दिन कहेंगे मैं पहुंचूंगा, तो मुझे खुशी होगी जान करके कि आज इन बच्चों में आपको खुशियां मिल रही, इन बच्चों में अपने खुद के बच्चे नजर आ रहे। जब आप गृहस्थ आश्रम में थे तो बच्चे वो आपके थे, अब ये जितने बच्चे हो सब आपके बच्चे हो गए। कोई बच्चा इसे खेल रहा है, कोई कूद रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उसको आप बताएंगे तो कितनी अंदर से खुशी मिलेगी। ये छोटी छोटी खुशियां लोगों का भला करके, हमारे तो सनातन में कहा गया परोपकाराय सताम विभूतयः, मैंने दूसरों का भला करना सबसे बड़ा काम होता है। अपना भला करना, अपना तो सब भला करता है, मगर दूसरों का भला करना सबसे बड़ा काम होता है। तो अगर आप इस समय जब सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो मैं आपसे इतना ही अनुरोध करूंगा कि आप अपने आप को सेवानिवृत्त हो रहे, वो तो बाध्यता है, क्योंकि तो सरकार का नियम है, आपको होना ही होना है। लेकिन आप जीवन से सेवानिवृत्त नहीं हो रहे, अगर आप में थोड़ी भी ऊर्जा बची हुई है, थोड़ी भी आपकी अगर आग है शरीर में, आ गए उस आग से अपने को तपा करके एक नया चीज निकालिए, और वो आप कर सकते हैं। और वो अगर आप करेंगे तो निश्चित मान के चलिए कि हमारे यहां कहा गया शतायु का आशीर्वाद दिया जाता है, तो शतायु हो सकते हैं, नहीं तो धीरे धीरे हमारे जो मैंने कहा कि श्रीमद् भागवत में जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हमारे शरीर का धर्म कर्म है, और शुद्ध ईमानदारी से पवित्र भाव से अगर आप काम को करेंगे, एक इस मन से करेंगे कि हमारे लिए नहीं, अब मैं समाज का हो गया, अब ये सारे बच्चे हमारे हो गए, ये सारे लोग हमारे हो गए, और हम समाज में बेहतरी करेंगे, हम देश को करेंगे। आप सोचेंगे कि जिस समय देश विकसित होगा, हमारा भी एक छोटा सा योगदान था। जो मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, एक छोटी सी कहानी जो है, मैंने आपको शायद आपने सुनी हो, बट मैं आपको कहानी सुनाना चाहता हूं। एक गिलहरी की कहानी। भगवान राम जब सेतु बन रहा था, जब राम सेतु बन रहा था लंका पर चढ़ाई करने के लिए, तो उस समय राम सेतु की चढ़ाई के समय भगवान राम तो वहां खड़े थे, क्योंकि आपको मालूम है भगवान राम ने जब पत्थर लेके पानी में डाला तो पत्थर डूब गया। जैसे भगवान सोचे कि अब तो हम पत्थर पकड़ेंगे नहीं, अगर पकड़ लिए तो वो जो है सारे पत्थर डूब जाएंगे, तो नल नील जो हर पत्थर पे राम लिखते थे उसके ऊपर डालते जाते थे, और वही अपना पूरा पूरा सेतु बन गया। और आज तो नासा भी कहता है कि वहां सेतु बना हुआ है। ये हमारी जो कहानी है, ये कहानी वास्तविक कहानी, जो मतलब वास्तव में ऐसे सेतु बना था। तो भगवान वहां पे किनारे खड़े खड़े सब चीजों को देख रहे थे कि कैसे सारे बंदर एक साथ एक एक करके हमारे ला रहे हैं, पत्थर ला रहे हैं, और पत्थर के ऊपर नल नील राम लिख करके उसके पानी में छोड़ रहे और सीधे धो रहा है। तो उन्होंने बड़ी एक अजीब घटना देखी। वो देखिए कि एक गिलहरी है, वो जाती है समुद्र में स्नान करती है, स्नान करके बाहर आती है, बाहर आकर के बालू में लोटने लग जाती है, मिट्टी में लोटने लग जाती है, लोटने के बाद फिर जाके स्नान करती है, फिर उसके बाद निकल करके आती है, फिर मिट्टी में लोटती है, फिर जाके स्नान करती है। तो भगवान ने एक बार देखा, दो बार देखा, तीन बार देखा, चार बार देखा, जब पांचवी बार बात हुई तो उन्होंने गिलहरी को बुलाया, कहा कि ये क्या माजरा है, तुम जो है बार बार मैंने नहाती हो, नहा के अपने को गंदा कर दी, फिर नहाती हो, फिर गंदा कर दी, फिर नहाती फिर गंदा कर दी, काम चल गया। तो उसका जो जवाब था बड़ा प्यारा जवाब था, उसने कहा कि मैं राम सेतु बना रही हूं, जब राम सेतु बनकर के तैयार होगा तो चाहे दुनिया जाने या न जाने, लेकिन मैं जानती हूंगी कि मेरी भी मिट्टी उस राम सेतु में लगी थी जिसके नाते ये राम सेतु बना था। अब सोचिए गिलहरी की भावना, वो गिलहरी वो बड़े पत्थर लेकर के राम का नाम लिख करके वहां पे नहीं डाल सकती थी, लेकिन अगर थोड़ी सी मिट्टी डाल के मिट्टी से भी वो राम सेतु बनेगा। तो ऐसे हम सब, इसीलिए मैंने कहा कि इतने बड़े अनंत
आपका बाहर इतना बड़ा ब्रह्मांड और आपके इतर भीतर भी इतना बड़ा ब्रह्मांड है और हम एक छोटे से सुई के नोक के बराबर भी नहीं है, उससे आपको सोच करके आप एक बार दोबारा सोचिए कि क्या हम एक नई जिंदगी जी सकते हैं। और आप अगर सोचेंगे नई जिंदगी जीने में बहुत आनंद आएगा, आनंद ही आनंद आएगा, उसमें कोई कमी नहीं होगी। और फिर पीछे की जो भी कमी रह गई होगी, जो भी ग्रसित रह गए होंगे, वो सारे स्वतः भरपाई हो जाएंगे। मैं सचिवालय प्रशासन विभाग को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ, इनसे मैंने अपेक्षा की सचिवालय प्रशासन विभाग से, और मैं समझता हूँ कि 8-10 महीने तो हो गए होंगे ये लगातार आप सबको ये करते हुए, कि मेरी इच्छा थी कि जो हम लोगों को जाने के पहले ऐसी छोड़ के चले जाते लोग, मेरी इच्छा थी कि आपको हम सारी की सारी चीजें देके जाए, आपको यहाँ से काम दो, आप लोगों के हित में आप काम करना प्रारंभ करें, और लगभग वहां तक हम पहुंच चुके हैं। तो उसके लिए मैं आपको बधाई भी देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। कोई कमी है उन कमी को पूरा करेंगे। आपसे मैंने अपेक्षा की कि आपके पास ऐसा कुछ हो जिससे आप घरों के साथ अपने घर में आप दिखा सकें, भाई मैं उत्तर प्रदेश शासन का एक अंग रहा, या आप इसको अच्छे से अपने घर पे इसको प्रदर्शित भी कर सकते हैं। आप में कुछ लोग मेरे साथ काम भी किए हैं, मैं पहचान भी रहा हूँ, कुछ हमारे गृह विभाग में मेरे साथ काम किए हैं, मेरे साथ खेल विभाग में काम किए, लेकिन जहां भी काम किए आपने प्रदेश के लिए जनहित में काम किया हुआ, और उस काम को, उस जनहित को अब एक बार दूसरा एक नए उत्साह के साथ नए तरीके से बढ़िए। आप फिर सच्चिदानंद होकर के, सच्चित आनंद होकर के लंबी आयु प्राप्त करें, आप शतायु बने। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।